बॉलीवुड की आइटम गर्ल यानी कि राखी सावंत, जिन्हें बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन भी कहा जाता है। राखी सावंत अपनी शादी और अपने पति को लेकर तो खैर चर्चाओं में है ही, लेकिन इसी बीच उनके नकली पति यानी कि दीपक कलाल को दिल्ली मेट्रो में थप्पड़ खाना पड़ गया। यूं तो दीपक कलाल कई तरह के ड्रामा वीडियो शेयर करता रहता है, वे जानबूझकर भी मीडिया की नजरों में रहने के लिए इस तरह की अटपटी हरकतें करता रहता है, लेकिन इस बार उनकी एक हरकत काफी भारी पड़ गई। मामला दिल्ली मेट्रो में यात्रा कर रहे दीपक कलाल की है। जो दीपक कलाल लोगों के साथ मेट्रो में यात्रा कर रहा था, इसी दौरान एक युवती ने उन्हें पहचान लिया और सेल्फी के लिए मांग कहा। दीपक कलाल इसका विरोध करने लगा। घटना के वीडियो में दीपक सेल्फी लेने की वजह अच्छे खासे नाराज होते हुए नजर आए। शुरुआत में ही ये एक पब्लिक स्टंट लगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि उन्हें चारों ओर से पकड़कर लोग बदसलूकी करने लगेंगे और उस लड़की ने तो उन्हें जोरदार थप्पड़ भी जड़ दिया। तो वहीं अब दीपक कलाल के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल किया जा रहा है और राखी सावंत से भी कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं।